चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हम सीधे पहले आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 37,000, हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू वॉज 35,000। तो ये आपका ट्रेडिंग एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में आ जाएगा 35,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर्स 6,000, तो वेजेस कहाँ है, ये है वेजेस। ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 5,000, तो ये सैलरीज में आ गया। तो ध्यान रखना है ये बैलेंस शीट में भी अपियर होगा, बाकी तो वेजेस और सैलरीज में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5%। तो सीधे चलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग, ये है, यहाँ पे रिमाइंडर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं 98,000 का 2.5% कैलकुलेट कर लें क्या। 98,000 का 2.5% हो जाता है 2,450। तो 2,450 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा उसमें से, और साथ ही साथ ये आपका पीएनएल में भी लिखा जाएगा। तो पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में से भी 10% करना है, प्लांट एंड मशीनरी में से भी 10%। तो ये लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी में से 2,05,000 का 10% हो जाता है 20,500। ठीक है ना, फिर एंड फर्नीचर एट 15%। ठीक है, तो फर्नीचर कहाँ है, ये है फर्नीचर, इसका 15%। तो 55,000 × 15% 8,250, 8,250। ठीक है, तो ये आपका पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में हो गया। बैलेंस शीट में तो इन्हीं एसेट्स में से कम हो जाएगा, और पीएनएल में अलग से डेप्रिसिएशन लिख देंगे। परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब ये बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कह रहा है परचेज के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी लिख दिया गया है, वो मशीनरी खरीदी गई थी 1 अक्टूबर 2019 को, उसको कहाँ लिख दिया हमने, गलती से परचेज में लिख दिया। तो भैया यहाँ पे दो बातें करनी पड़ेंगी, एक परचेज में से माइनस करना पड़ेगा, परचेज में तो खाली गुड्स लिखे जाते हैं, हमने मशीनरी बेवजह लिखी है उसको माइनस करो, और मशीनरी में 10,000 ऐड करो, और मशीनरी में 10,000 ऐड करो, क्योंकि ये तो मशीनरी में लिखना था, वो नहीं लिखा, तो मशीनरी में लिखना पड़ेगा, और गलती से परचेज में लिखा उसमें से माइनस करो। ये दोनों गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, और एक गलती और सुधारनी पड़ेगी जो कि दिख नहीं रही है, वो ये है कि ये जो मशीनरी हमने खरीदी है 1 अक्टूबर 2019 को, इस पे डेप्रिसिएशन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर कि प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2019, मतलब 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन इस 10,000 की मशीन पे और चार्ज करना बाकी है। हेडिंग में पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देख लो, पहले परचेजेस में से मैंने क्या कर दिया, 10,000 कर दूंगा मैं माइनस, और यहाँ पे मैं करूंगा 10,000 प्लस, और फिर इस 10,000 पे 10% 6 महीने का डेप्रिसिएशन, मतलब हो जाता है 10,000 का 10% 1,000, 6 महीने का हो जाएगा 500। तो 500 रुपए का डेप्रिसिएशन और लिखना पड़ेगा, मतलब 20,500 तो इस पे हो जाएगा, और 10,000 की मशीन पे 500 का डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इधर भी मार्किंग हो गई, उधर भी मार्किंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे मशीनरी में मार्किंग कर ली हमने, और परचेज में भी मार्किंग कर लिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ट्रेडिंग बैलेंस शीट और पीएनएल में चला जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेटर्स इंक्लूड बैड डेट ऑफ 2,000, मतलब ये आपका फर्दर बैड डेट है, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डेटर्स। तो ये डेटर्स में से दो दो हमें चीजें घटानी पड़ेंगी। डेटर्स कहाँ है, ये एक तो हम घटाएंगे क्या, एक हम घटाएंगे 2,000 का फर्दर बैड डेट, दूसरा हम घटाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, 10%। फिर ये तो ये आपका समझ लो, ये पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट। मैनेजर इज एंटाइटल टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बेटा बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग याद है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग दोनों में क्या फर्क है,
इसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100। इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। तो हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है ये, है ना, जो आमतौर पे अपन परसेंटेज कितने, ये परसेंटेज आपको दिया रहता है तो हमको फाइन करना रहता है, तो उसके लिए सिंपल सा यही फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। ड्राइंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग, आउटवर्ड ट्रेडिंग, ये P&L, 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 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑब्वियस सी बात है, P&L, फर्नीचर, बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग, P&L, 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 और ये आपका ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग, कैरेज है ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका बैलेंस शीट, कैश इन एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है, यहाँ पे एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है जो कि दिखता नहीं है मगर होता है। यहाँ पे 10% बैंक लोन मतलब इस पे 10% इंटरेस्ट देना है, कब लिया है, 1 अप्रैल 2019, मतलब पूरा साल हो गया है, हो गया है। 1,50,000 पे का 10% कितना हो जाता है, 15,000, राइट, कितना हो गया, 15,000। तो 15,000 हमको देना चाहिए। देखो आपने कुछ पे किया है क्या, यहीं दिख जाएगा आपको, ये लो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखा हुआ है ना, हमने कितना दिया है, 12,000, देना कितना था, 15,000, मतलब 3,000 और दिया जाना बाकी है। तो ये 3,000 रुपए ये दिया जाना बाकी है, एक्सपेंस तो है, तो P&L में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, दोनों में आएगा, ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ, बाकी बैंक लोन तो बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विच हैज नॉट येट बीन पेड, विच हैज बीन पेड, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द ट्रायल बैलेंस, इज इट क्लियर। चल अब आ जाते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST और आउटपुट IGST। सिंपल सा नियम है, पहले भी डिस्कस किया है, बार बार कह रहा हूं मैं, अगर कंफ्यूजन है तो GST के चैप्टर में सेट ऑफ हमने अलग से टॉपिक कवर किया है, वो आप देख सकते हैं, पहली बार, दूसरी बार, फाइनल अकाउंट्स में भी मैंने सेट ऑफ को डिस्कस किया है, वहां पे भी देख सकते हैं, और प्रीवियस अभी इस चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने सेट ऑफ GST को कवर किया है। तो वहां पे दो केसेस होते हैं, पहला इफ द इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST तो क्या करेंगे, वो पूरा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं। दूसरा है इफ आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST तो फिर क्या करना है, वो भी हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखो पहले कि यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट IGST इज नॉट गिवन, दैट मीन्स आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST, तो आप मेथड दूसरा यूज करेंगे। क्या मेथड होता है, हमारा इनपुट IGST हम आउटपुट IGST को सेट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, मगर यहाँ पे इनपुट IGST तो है ही नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, इनपुट CGST का यूज आउटपुट CGST को सेट ऑफ करने के लिए करते हैं। तीसरा इनपुट SGST का यूज आउटपुट SGST को सेट ऑफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखें कि इनपुट IGST का यूज हम आउटपुट IGST के लिए इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनपुट IGST है नहीं, चलो जाने दो। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इनपुट CGST का यूज आउटपुट CGST के लिए करो, तो अब यहाँ पे इनपुट CGST तो है मगर आउटपुट CGST की लायबिलिटी नहीं है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाओ इनपुट SGST का यूज आउटपुट SGST के सेट ऑफ के लिए करेंगे, वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आउटपुट SGST भी नहीं है। तो फाइनल स्टेप क्या बचेगा, फाइनल स्टेप यही बचेगा कि फर्स्ट यू हैव टू यूज इनपुट CGST फॉर सेटिंग ऑफ आउटपुट IGST, तो यहाँ पे इनपुट CGST आउटपुट IGST को सेट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। चलिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा आउटपुट IGST है, कितना है, 15,000। ठीक है, इसको सेट ऑफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट CGST का यूज करूंगा, कितना, 9,000। ये सेट ऑफ करने के बाद बचा कितना, 6,000। अब मेरे को केवल और केवल 6,000 रुपए चाहिए, वो मैं कहां से ले लूंगा, इनपुट SGST से 6,000 लेके, और उसको भी सेटल कर दिया, तो मेरे पास अब बैलेंस क्या बचा, केवल और केवल इनपुट SGST बचा है मेरे पास 3,000। ठीक है, क्लियर है, तो ये इनपुट SGST है आपका एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो अब सीधे आ जाते हैं हम फॉर्मेट्स पे, तो ये थोड़ा भी कंफ्यूजन हो GST को लेकर तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ कवर्ड है बहुत अच्छे से,
यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 मार्च 2020, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पूरा आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, P&L ऐसे नहीं लिखना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, है ना। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, ये आपका ट्रेडिंग है, ये आपका P&L है, और ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब फटाफट हम देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स और कैपिटल दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ 3,50,000, और यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स माइनस कर देता हूँ, कितना था, 15,000, ठीक है, 15,000 की ड्रॉइंग, ये लो। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाइए। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या है, डेप्रिसिएशन है, वो जो मशीनरी हमने परचेजेस में लिख दी थी वो ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है, बहुत कुछ है। तो प्लांट एंड मशीनरी है कितना, 2,05,000, देखो ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी है 2,05,000, ठीक है। इसमें से हम ऐड करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी जो गलती से वहां लिख दी गई है 10,000, फिर यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2,500 और 500, दोनों मिला के 21,000 का डेप्रिसिएशन ये हमने माइनस किया, ठीक है। तो हो जाएगा 2,15,000 माइनस 21,000, तो ये हो जाता है 1,94,000, ठीक है, समझ में आई बात। और ये डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 21,000, ठीक है। फिर आइए डेटर्स, तो डेटर्स में दो दो मार्क्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, क्यों, क्योंकि एक तो आपको डेप्रिसिएशन सॉरी बैड डेट घटाना है, दूसरा प्रोविजन का भी एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो डेटर्स 50,000 है और लिखा हुआ है बैड डेट है 2,000 और 10% प्रोविजन है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे ये लीजिए, ये डेटर है, ठीक है, डेटर कितना है 50,000, उसमें से हम लेस कर देंगे क्या बोलो, बैड डेट, बैड डेट कितना है 2,000, फिर कितना आएगा, यह आ जाएगा 48,000, फिर क्या करना है, लेस करना है 10% प्रोविजन, तो कितना हो जाएगा 10%, 4,800, ये लो, तो 48,000 माइनस 10%, तो ये हो जाता है 43,200, ठीक है। और चलो बाकी एक काम करें, वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट की वर्किंग भी कर लेते हैं जो लिखेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन है 4,800 प्लस बैड डेट, बैड डेट है 2,000 यहाँ है, और यहाँ पे भी कोई बैड डेट है क्या, नहीं, यहाँ पे बाकी प्रोविजन दिया हुआ ओल्ड प्रोविजन दैट इज 13,000। कोई कंफ्यूजन हो यदि आपको यहाँ पे, तो आप अलग से जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो देख सकते हैं, प्रोविजन को लेकर सब क्लियर हो जाएगा इन केस डाउट है, हालांकि कई बार हम ये सब रिपीट कर चुके हैं, फिर भी -13,000, ठीक है। तो 4,800 प्लस 2,000 -13,000, ये हो जाएगा -6,200, और जब कभी भी -6,200 आता है मतलब वो P&L में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा ये सब भी डिस्कस हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो 6,200 मैं लिखूंगा यहाँ पे P&L में प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना 6,200, ठीक है। चलो उसके बाद उसके बाद उसके बाद कहाँ थे हम, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स है 28,000, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 28,000। फिर आते हैं हम रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है ना, मतलब सेल्स में से माइनस करेंगे, तो सेल्स कहाँ है, सेल्स नीचे दिख रहा है 4 लाख, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर 4 लाख है सेल्स, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न 8,000 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स दैट इज 4 लाख, ठीक है, सेल्स रिटर्न कितना है 8,000, तो ये हो जाएगा 3,92,000, ठीक है।
ये हो गया आपका, ठीक है। अब रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड किसमें से माइनस करेंगे, परचेस में से। परचेस ढूंढिए कहाँ है, परचेस नीचे दिया हुआ है 260, जिसमें से 10,000 की मशीनरी भी माइनस करनी है, तो 250, 250 में से आप रिटर्न आउटवर्ड 7,000 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो परचेजेस मैं यहाँ पे वर्किंग करके बता दे रहा हूँ, परचेजेस है 260, ठीक है, इसमें से लेस कर दो मशीन, मशीन कितनी है 10,000, और फिर हम लेस कर देंगे क्या परचेज रिटर्न कितना है 7,000, तो ये दोनों माइनस करने के बाद हो जाएगा 243, ठीक है। चलो अब उसके बाद परचेस हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है 7,000, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 7,000, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है 6,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है 6,000, फिर कमीशन है, 15,000, कमीशन है 15,000, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है ना, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो ये तो हमने पे किया है, और जो पे करना बाकी है वो नीचे लिखा है 3,000, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 12,000, कितना, 12 ही था ना, हाँ 12 दे चुके हैं और 3 बाकी है, प्लस 3,000, वर्किंग दे देना अच्छे से 15,000, ठीक है। और ये आपका जो इंटरेस्ट है ये दिया जाना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो गया, तो लायबिलिटी भी हो गई, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो ये हो गया 3,000, ठीक है। फिर आइए आप फर्नीचर, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन भी है, तो 55,000 माइनस 8,250, तो 8,250 मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,250, ठीक है, तो 55,000 माइनस 8,250 ये हो जाएगा 46,750, 46,750 ये आपका फर्नीचर, 55 माइनस 8,250 दैट इज 46,750, ये आपका डेप्रिसिएशन है। फिर आइए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हो गया इसका हमने लिख दिया है ना, पीएनएल में भी लिख दिया, वहां पे भी हो गया, ठीक है। वेजेस, वेजेस आपका आउटस्टैंडिंग है ना 6,000, तो 50 प्लस 6, तो वेजेस 50 है ना, 6,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ठीक है, 56,000, और ये 6,000 इसी बात है कि हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइए सैलरी, सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000 की, सैलरी कितनी है 45, तो ये सैलरी, सैलरी है 45 प्लस 5 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 50,000, और ये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब कहाँ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है 15,000, एडवर्टीजमेंट 15,000, 15,000, फिर रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस है 13,000, रेंट एंड टैक्सेस है 13,000। फिर आइए आप परचेजेस में, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक 70,000, ओपनिंग स्टॉक 70,000, कैरेज है 5,000, 5,000 कैरेज, फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और 2,450 का डेप्रिसिएशन है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,450, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में लिख देता हूँ कितना था 90, लैंड एंड बिल्डिंग है 98,000,
98,2450 ये माइनस हो गया, 95550, ठीक है, और यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। फिर आइए आप कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश और बैंक यहाँ पे हम लिख देते हैं, कैश एंड बैंक एक साथ लिख दूँ चलेगा, जगह थोड़ी सी कम है, 28,000 आप मत लिखिएगा एक साथ। फिर आपका 10% बैंक लोन है 1,50,000, 10% बैंक लोन 1,50,000, ठीक है। और फिर इनपुट SGST है 3,000, जिसकी वर्किंग मैं बता चुका हूँ, इनपुट इनपुट SGST 3,000, ठीक है। फिर आपका नीचे क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, 35,000 क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग हो गया दोनों मेरे ख्याल से बैलेंस शीट के अंदर, हाँ दोनों हो गया। फिर डेप्रिसिएशन सब में से हो गया, बिल्कुल हो गया, परचेज का भी एडजस्टमेंट हो गया दोनों जगह से, डेटर्स का हो गया, बाकी कमीशन नेट प्रॉफिट पे है तो कैलकुलेट करके कर लेंगे अपन, ठीक है। चल तो सबसे पहले हम जीपी फाइंड करते हैं, 392 प्लस 35,000 ये हो जाता है 427, ठीक है, और ये 243 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 5 374, 374 आ रहा है। एक मिनट देखें क्या आंसर है, यहाँ नहीं है बुक, एक मिनट देखिए, ऐसे बिल्कुल सही है, 53 आपका जीपी है ना, तो ये लीजिए 53,000 आपका जीपी, ये आपका 427, ठीक है। अब क्या करना है, ये जीपी को यहाँ पे लेके आ गया 53,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, 50 तो यही हो गया, 15 15, ये 21 7 13, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अमाउंट कम दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, एक नज़र आप दौड़ाते हैं तो अपने आप पता चल जाता है। तो इस केस में क्या होगा, मेरे को लगता है ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होने वाला है, तो टोटल करते हैं, डेबिट साइड ज्यादा होगा, टोटल करके देखते हैं डेबिट साइड कितना आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है 146700 माइनस 53 माइनस 6200 माइनस 6000 81500, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये आपका नेट लॉस आ गया 81500, इस तरफ भी टोटल 146700, ठीक है। तो ये 81500, अभी समझना, कमीशन दिया हुआ है मगर कमीशन तभी देंगे ना जब कमाई होगी, जब कमाई नहीं हुई है तो उसको कमीशन मिलेगा क्या मैनेजर को, नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए हमें कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है, वो नेट प्रॉफिट पे है, लॉस पे नहीं। तो अब ये हो गया आपका नेट लॉस, तो 3,50,000 माइनस 15,000 माइनस 81,500, ये हो जाता है आपका 253,500, ठीक है, प्लस 28,000 प्लस 3,000 6,000 5,000 1,50,000, ये आ रहा है टोटल आपका 445500, ठीक है, इस तरफ भी देख लें 194 43 200 46 750 95 550, सेम है इधर भी आपका 445500, क्लियर है। तो बस ऐसे ही करना है, मिलते हैं फिर, बाय।